सबको काम करना है। भाई बहनों, मैं आगे कुछ अपनी बात कहूं, उससे पहले हमारे आचार्य श्री धर्मस्वरूप जी महाराज, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उनकी एक रचना का भी गायन किया भाई नरेंद्र जी ने यहां से, हमारे सभी साधु संत महापुरुष इस भारत स्वाभिमान के अभियान में साथ साथ में है। पूज्य महाराज श्री से कहूंगा, वो जो है हम सबको अपने आशीषों से कृतार्थ करेंगे, और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन। संपूर्ण सुधारात्मक क्रांति के अग्रदूत, जो हमारे समस्त राष्ट्र की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, हमारे जीवन में उभरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर हैं, जिनके आज निःशुल्क योग प्रशिक्षण, साथ ही साथ भारत स्वाभिमान यात्रा, जिसके मुख्य चार स्तंभ हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, चारित्रिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अनाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्यवस्था, इसकी आज महती आवश्यकता है। भारतवर्ष, जैसा कि आपने सुना, ये जगतगुरु देश, जो आज दुर्भाग्य से जगत शिष्यत्व की योग्यता में पिछड़ता नजर आ रहा है। हमारे युग पुरुष महर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज का जो प्रयास है, जिससे भारत पुनः अपने स्वाभिमान और गुरुता पर प्रतिष्ठित होगा, ये अभियान इनका चल रहा है। इसमें हम सभी लोगों को तन से मन से इन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, जो विदेशी सामानों के उपयोग प्रयोग की बात है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनकी भ्रष्टता का विरोध करना चाहिए। आज तो देख लीजिए, राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति चरितार्थ हो रही है कि जहां पुण्य चरित्र सज्जन से विषयी कलमस मध्य निवासी, जहां श्रमी से क्रय विक्रयी वेश्या सुखी सती से, विपरीत स्थिति हमारे देश की है। आज स्थिति ऐसी है कि सज्जन लोग मुंह छिपाए चल रहे हैं, दुर्जन लोग सीना तान कर चलते हैं। इस सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए ये संत सिद्धांत आज तो हमको लगता है कि हजार वर्षों के ऐतिहासिक अंतराल में इस अप्रतिहत व्यक्तित्व ऐसा अवतरण आज तक नहीं हुआ था। जो खुलेआम सदगुरु कबीर की पहचान इनके साथ चरितार्थ होती है कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दू टुकड़ों पर यह मेरे बस की बात नहीं। इतने स्पष्टवादी संत प्रमुखापेक्षी नहीं होते हैं, वो सत्य वक्ता होते हैं। और हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज सत्य वक्ता हैं, सत्य दृष्टा हैं। इन्होंने ठीक से राष्ट्र का अध्ययन किया है, हमारी समस्याओं को समझा है और उन समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक आज देश के कोने कोने में अपना अभियान चलाकर हमको फिर से जगाना चाहते हैं, हमारी कुंठित चेतना को जगाना चाहते हैं। आज हमारी चेतना प्रसुप्त दशा में है। चेतना एक ऐसा शब्द है, चिति संज्ञा ने धातु से बना हुआ चेतना शब्द,
जिससे जीवन के बाह्य अभ्यंतर सत्य तत्व को हम समझते हैं, वह वास्तविकता को समझने की चेतना हमारी कुंठित हो गई है। सबसे पहला काम है स्वामी जी महाराज का कि जन जन की चेतना जगे, अपने जीवन को समझे, जीवन की समस्याओं को समझे, राष्ट्र को समझे, राष्ट्र की समस्याओं को समझे। एक संकल्प तो हम सभी लोगों को लेना है कि जिस देश की धरती पर जन्म लिए हैं, खाए हैं, खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आरक्षण लेकर के समग्र विकास कर रहे हैं, उस राष्ट्र की अखंडता, उसकी स्वाधीनता और उसकी बाह्य अभ्यंतर शक्ति को अक्षुण बनाए रखना हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है। आज स्वामी जी के निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में हम सभी लोगों को प्राणपण से लग जाना है। भारत का एक नया रूप नहीं, जो प्राचीन रूप था, जो समग्र देश के सामने संपूजित रूप था, उस स्थिति में इस देश को लाने के लिए हम लोग स्वामी जी के चरण चिन्हों के पीछे चलेंगे, इनके आदेश निर्देश के साथ काम करेंगे, ताकि हमारे देश की पुनः मर्यादा प्रतिष्ठित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जो पुरुष श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि पीठ के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण का इस ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र पूर्णिया की पावन धरती पर सत सत नमन, अभिनंदन और स्वागत करते बातों को विराम दे रहा हूं। आज मुझे हृदय से इतना आनंद हो रहा है। हमारे यूं तो बड़े बड़े महापुरुष जिनके करोड़ों अनुयायी है देश में, वो सब भारत स्वाभिमान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और बीच बीच में आपने देखा होगा, चाहे पूज्य मुरारी बापू हो, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी हो, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी, पूज्य रमेश भाई जी हो, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हो, जिनकी करोड़ों की फॉलोविंग है, कुछ महापुरुष सीधे मंच पर नहीं आ पाते, उनकी बाध्यताएं हैं, मैं उनकी भी बहुत गहरी सहानुभूति, चाहे वो जो है राधा स्वामी सत्संग व्यास निरंकारी सत्संग भवन के नाम से आपने देखा होगा, पूरे देश भर में आध्यात्मिक सामाजिक और धार्मिक जागरण के संदर्भ में काम करने वाली संस्थाएं हो, कुछ पीछे से कुछ मुखर होकर के सामने आते हैं और सबका समर्थन इस पूरे आंदोलन का, क्योंकि ये देश की सामाजिक आध्यात्मिक आर्थिक और संपूर्ण चेतना को जगाने का प्रयास है। मुझे जो खास आज जो आनंद जिस बात से है, क्योंकि महाराज श्री से पहली बार आज यहां मंच पर ही ये संवाद हो रहा है, इस रूप में इतने ज्यादा प्रखर प्रकांड उच्च कोटि के विद्वान और भारत स्वाभिमान को सर्वात्मना, मुझे लगता है उन्होंने पूरा समझा है उसको, कि भारत स्वाभिमान केवल एक अनायास उठा हुआ कोई एक हृदय में विद्रोह नहीं है, ये वो हमारी ऋषि संस्कृति, वो हमारे ऋषियों के आदर्श और वो हमारी परंपरा, जिसको सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि दो महापुरुषों ने समाज जब सोया हुआ था, समाज की कुंठाओं पर, समाज के जड़ता के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार वर्तमान युग में दो महापुरुषों ने किया, एक का नाम था महर्षि दयानंद और दूसरे का नाम था कबीर। महर्षि दयानंद सरस्वती और इस युग के महान संत ऋषि संत कबीर जी ने दोनों उस समय जड़ता पर प्रहार किया, और अभी भी ये जो समाज जड़ हो गया है, मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि मैं गुजरात में था, वहां भी हमारे कबीर पंथ के बहुत से संत महापुरुष आए, और क्योंकि संत कबीर शांति मूलक क्रांति के बहुत बड़े जनक थे, और आज उसी संप्रदाय के, उसी परंपरा के, उसी संत शक्ति को अपने और उन संतों के महान आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करके हम सबको उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ किया, और भारत स्वाभिमान का जो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य चेतना, स्वास्थ्य व्यवस्था का, चारित्रिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, और यह जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था को मिटाकर के सुशासन शासन व्यवस्था, जो आदर्श शासन व्यवस्था थी हमारी, उसको प्रतिष्ठापित करने का जो अभियान है, इसमें सबका आह्वान किया, हमारा आदर्श जीवन हो, आदर्श चरित्र हो, आदर्श परिवार हो हमारे, जैसे पहले हुआ करते थे, अभी भी है बहुत जगह, आदर्श जीवन, आदर्श परिवार,
आदर्श चरित्र, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र, और हमें आदर्श विश्व का निर्माण करना है, आदर्श जीवन, उसके लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, आदर्श परिवार के लिए सबको मिलकर के एक दूसरे का सम्मान सहयोग करना पड़ेगा, आदर्श समाज के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि तीन चीजें तो कम से कम समाज में हो, समान शिक्षा व्यवस्था, समान चिकित्सा व्यवस्था, और काम करने का सबको समान अधिकार, और श्रम का मूल्य उसमें कोई पक्षपात ना हो, जैसे अंग्रेज एक गलत नींव डाल करके गई हमारे देश के अंदर, जैसे कोई कंप्यूटर पर बैठ के काम करे तो 15,000 और लैट्रिन साफ करे तो 5,000, ये कौन सा न्याय है? खेती करे तो उसको मूल्य मिलेगा, उसका श्रम का मूल्यांकन किया, मैंने कहा 3,000, खेती करे तो, माने हल चलाए तो 3,000 और कलम चलाए तो 30,000, ये श्रम का मूल्य गलत हुआ। इसलिए मजदूर, कारीगर और किसान आज तक गरीब है। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां श्रम के मूल्य में भी पक्षपात ना हो और गरीब मजदूर, किसान, कारीगर, उसको भी उसका पूरा परिश्रम मिले। सड़क बनाने वाला, मकान बनाने वाला जो मजदूर है उसको 3,000, और सड़क बनाने में जो ड्राइंग बनाता है इंजीनियर और नक्शा बनाता है खाली कलम से उसको 50,000। यह दुनिया गरीब लोगों ने बनाई है, जिनको कहते हैं अनपढ़ हैं, गवार हैं, ना समझ हैं, बेवकूफ हैं, जिन मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, कारीगरों को बिना पढ़ा लिखा बेवकूफ, नादान, ना समझ मानते हैं, उन लोगों ने ये दुनिया बनाई है। मुझे लगता है शासन के स्तर पर तो इनको इनका श्रम का मूल्य पूरा जब मिलेगा तब मिलेगा, हम खुद के स्तर पर भी इनके बारे में सोचें, गरीब अमीर लोगों में संघर्ष ना हो। गरीब लोग हमेशा ही सोचें कि वो जो है, जो भी मजदूर किसान है, कि वो सृजन में लगे, उनका धर्म निभा रहे, और जो अमीर लोग हैं मैं सोचता हूं वो उन गरीबों के प्रति जरूर सहानुभूति रखें कि आज हम जो भी सुख भोग रहे हैं, जो आज हमारे भवन हैं तो मजदूरों ने, कारीगरों ने बनाए हैं, जो हम अन्न खा रहे हैं वो किसी किसान ने पैदा किया है। मुझे लगता है इन सब का सम्मान समाज में सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो इससे समाज में समरसता पैदा होगी, संघर्ष पैदा नहीं होगा। मैं कह रहा था हमें आदर्श जीवन, आदर्श चरित्र, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है, इसके लिए ये सारा तो व्यवस्था तो बदलनी पड़ेगी पूरी की पूरी समाज की, और इसके लिए पूज्य भारत श्री ने हमारा मार्गदर्शन किया। अभी वक्त बहुत हो चला है, प्रण अब इस योगाभ्यास के क्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाना पड़ेगा। हास्यासन के साथ ये भी आसन है, कैसे छोंकते हुए आनंद से 2 मिनट हंस लिया करो और 2 मिनट रोज ताली बजा लिया करो, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आपने देखो किसी पशु के आंखों पर चश्मा देखा, किसी भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को बीपी शुगर की बीमारी देखी नहीं होती, वो हाथ पैरों से नंगे चलते हैं, उनका एक्यूप्रेशर हो जाता है और मस्त रहते हैं।